हेलो गाइस, आज हम फिर से करने वाले हैं माइनक्राफ्ट और आप लोग देख रहे हैं माइनक्राफ्ट का एपिसोड नंबर 22। और गाइस, आज हम आए एक एडवेंचर पर। और गाइस, यहाँ पर हम आए एक अंटार्कटिका एरिया में। तो गाइस, यहाँ पर मैं पोलर बियर ढूंढने आया था, इसलिए यहाँ पर बोट रखी है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे पोलर बियर इस एरिया में तो नहीं मिले। तो गाइस, चलो गाइस थोड़ी सी आइस कलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सिल्क टच पिकेक्स लेकर आया था। तो गाइस, जल्दी से इस सिल्क टच पिकेक से ये सारी आइस कलेक्ट कर लेते हैं, मतलब सारी नहीं, जितनी हो पाती है उतनी कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, मैं जल्दी से इससे पूरी आइस तोड़ कर कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैंने कलेक्ट करते करते पूरी सिल्क टच की पिकेक्स तोड़ दी। तो गाइस, अभी इतना कलेक्ट बहुत है, मैंने बहुत सारी कलेक्ट कर ली। तो गाइस, ये जो बची है उनको अभी यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं बोट के पास और गाइस अभी इन बोट को तोड़ देते हैं और चलते हैं आगे कि हमें पोलर बियर मिलते हैं या नहीं। मैंने यहाँ पर दोनों बोट को कलेक्ट कर लिया, अभी चलते हैं आगे, देखते हैं हमें आगे पोलर बियर मिलते हैं या नहीं। तो गाइस, यहाँ पर जल्दी से आगे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा आगे आने के बाद मुझे एक पोलर बियर तो मिला, लेकिन ये पोलर बियर का बच्चा है गाइस। तो चले गए, इसी को भी मैंने इस बोट के अंदर बिठा दिया और ये भी बोट ले लेते हैं और ये लेड्स भी ले लेते हैं। तो चले गए, अभी इसको लीज कर देते हैं और इसको अपने साथ लेकर चलते गाइस। बस मुझे एक छोटा सा बच्चा ही मिला, और बड़ा पोलर बियर मिल जाता तो अच्छा होता है। तो गाइस, यहाँ पर एक और पोलर बियर आ रहा है सामने की तरफ से, इसके आगे बोट रखते हैं। तो गाइस, ये बोट में बैठ चुका है और एक और बोट में बैठ चुका है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं गाइस? ये जैसे कि मुझे मारने आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ये गाइस, इसने मुझे मारा अभी। तो गाइस, ये मुझे मार रहा है जैसे मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी मुझे इसको मारना ही पड़ेगा वरना ये हमें मार देगा। तो गाइस, ये फिर से मार रहा है, पहले खाना खा लेते हैं। तो गाइस, अभी इसे मुझे मारना ही पड़ेगा, तो इसको तो मैंने मार दिया। और तो गाइस, ये भी हमें मार रहा है और यहाँ पर एक और पोलर बियर आ गया गाइस। यहाँ पर पूरी फौज हमें मार रही है और ये हमारे बोट के अंदर बैठी। चले गाइस, इन दोनों को लेकर चलते हैं जल्दी से यहाँ से, वरना ये हमें मार कर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे गाइस। चले गाइस, जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ यहाँ से। तो गाइस, अभी मैं उस जगह से बहुत दूर आ गया हूँ और अभी चलते हैं अपने कासल की ओर। और गाइस, मैं आपको पोलर बियर दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे लेड से बांध रखे हैं। और गाइस, अभी चलते हैं आगे और रात भी बहुत हो रही है गाइस। तो चले गाइस, हम अपने कासल के थोड़ा बहुत पास आ गए हैं। और गाइस, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पोलर बियर ऐसे पीछे है और वहाँ सामने हमारा कासल दिख रहा है आपको। तो गाइस, इस बोट को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत धीरे चल रही है, ऐसे ही हम खींच कर लेकर चलते हैं इसको। तो गाइस, जल्दी से इन पोलर बियर को लेट से खींच कर जल्दी से अपने कासल के पास लेकर चलते हैं। और गाइस, इससे बहुत जल्दी आ रहे हैं, हम बोट राइड करते हैं तो बहुत धीरे धीरे चलती है। और गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं हमारा विलेज आपको सामने की तरफ दिख रहा होगा। तो गाइस, अभी वो रस्सी टूट गई और दोबारा लीज करते हैं इनको। तो गाइस, इसको दोबारा लीज करते हैं जल्दी से। तो चले गाइस, इसको लीज तो कर दिया, अभी दोबारा लेकर चलते हैं। तो गाइस, जल्दी से मैं इसको अपने विलेज में लेकर चलता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ गाइस। तो गाइस, यहाँ पर मैं इन पोलर बियर को अपने विलेज में लेकर आ चुका हूँ गाइस। अभी थोड़ा आगे लेकर चलते हैं इनको अपने कासल तक। तो गाइस, यहाँ से साइड से लेकर चलते हैं। अभी इसको आगे की तरफ जल्दी से खींचते हैं और लेकर चलते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ पर फिर से वो रस्सी टूट गई। तो चले गाइस, इसको यहीं पर रहने देते हैं, हम जाकर सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत हो रही है और वैसे भी हम आ चुके हैं अपने कासल में। चले गाइस, यहाँ पर मैंने विलेजर के लिए बहुत सारे बेड लगा रखे हैं।
तो गाइस सुबह हो चुकी है और अभी चलते हैं दोबारा बार और अपने पोलर बियर के पास। तो चलिए गाइस इनको जल्दी से आगे लेकर चलते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने इनको यहाँ पर ला लिया है और यहाँ पर ऐसा छोटा सा इनके लिए ऐसा रूम बना दिया है। आप देख पा रहे हो इनके लिए ऐसा छोटा सा घर टाइप बना दिया मैंने और यहाँ पर ये फुल मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने फ्लोरिंग में भी आइस का ब्लॉक लगा दिया है, जो ये आइस पैक्ड आइस क्या बोलते हैं वो लगा दिए। और गाइस ये आपको पता होगा जब मैं वहाँ पर गया था तब मैंने वापस सिल्क टच से बहुत सारी आइस तोड़ी थी, तो गाइस उसी से मैंने ये यहाँ पर इनके लिए घर बना दिया। तो चलिए गाइस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on.